अस्सलाम वालेकुम, मैं फिजान अली हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है M0211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और लेक्चर है इसका 31 लेक्चर है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज इन्होंने बताई हुई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक में, और ये पेपर्स में भी आई हुई हैं और उसके बाद क्विज में भी आती हैं। उसके सबसे पहले है पुश स्ट्रेटेजी। पुश स्ट्रेटेजी, आपने किसी शॉप पे जाए जिनके उधर लिखा होता है पुश और पुल, उसका आपको अगर डिफरेंस पता है चल गया है तो समझने के आपके लिए बहुत ही इजी होगा समझने के लिए। पुश होता है मूव फॉरवर्ड, आगे करना, पुश ये हो गया। पुल होता है इसके अपोजिट। पुश का मतलब होता है कि पुश स्ट्रेटेजी इन्होंने क्या बताई हुई है, इज अ प्रमोशनल अप्रोच डिजाइन टू मोटिवेट होलसेलर एंड रिटेलर टू पुश प्रोड्यूसर प्रोडक्ट टू एंड यूजर। पुश मीन्स के आगे धकेलना, मूव फॉरवर्ड। ये क्या उनसी अप्रोच है, इनमें बताया कि होलसेलर और रिटेलर को मोटिवेट करती है, उनसे कहती है, उन पर दबाव डालती है कि प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्ट है ना वो एंड यूजर तक पहुंचाए। एंड यूजर तक जो प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्ट्स होती हैं वो पुश स्ट्रेटेजी के जरिए पहुंचाई जाती हैं। ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करती हैं कंपनीज। कब करती हैं कंपनी यूज, जब उनके पास सेल इतनी ज्यादा ना हासिल हो रही हो। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन पुश स्ट्रेटेजी ये है कि जो होलसेलर और रिटेलर्स को मोटिवेट करती है कि वो जो प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एंड यूजर्स तक पहुंचाए। और इसी के साथ है पुश स्ट्रेटेजी इज अ प्रमोशनल अप्रोच दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर डिमांड विच देन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन होलसेलर एंड रिटेलर टू कैरी अ प्रोडक्ट। इसमें ताकि प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कस्टमर्स तक पहुंचाई जाए। इसमें क्या, कस्टमर खुद डिमांड कर रहा है कि यार हमारी जो चीज है जो हमने आपको बोला है वो चीज हम तक जल्दी पहुंचाई जाए। इसमें कस्टमर डिमांड करता है कि हमारी जो चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी हम तक पहुंचाई जाए। तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं होलसेलर और रिटेलर्स के ऊपर कि हमारी जो चीजें हैं वो जल्दी हम तक पहुंचाई जाए। ये होती है पुल स्ट्रेटेजी। जब कस्टमर खुद बोलेगा कि हमें ये वाली चीज जल्दी से ला के दो, वो हो गई पुल स्ट्रेटेजी। और जब एक होलसेलर या रिटेलर प्रोड्यूसर की चीजें एंड यूजर तक पहुंचाएगा विदाउट उसकी डिमांड, ये होगा पुश स्ट्रेटेजी। जब कस्टमर खुद डिमांड करेगा तो ये होगी पुल स्ट्रेटेजी। ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका आपने डिफरेंस करना है। ये आपको 5 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको जरा आपने गौर से देखना है और जरूर करना है इसको आपने। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स क्या होता है कि प्रमोशन जिस तरह हम करते हैं वो सारा उसको मिक्सअप करना, वो प्रमोशनल मिक्स है। मार्केटर्स यूज 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स। कौन कौन से प्रमोशनल टूल्स वो यूज करते हैं, 4 टाइप्स वो यूज करते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस। तो पब्लिक रिलेशंस और ये जो पर्सनल सेलिंग है ये तो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स विल डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरर सच एज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट होती है, टारगेट जो ऑडियंस होता है वो है। इन्होंने बताया कि चैप्टर नंबर आप 10 भी देखे, उसमें भी इन्होंने बताया हुआ है कि बायर डिसीजन प्रोसेस होता है, मिक्स बजट होता है उसका। तो ये सारी जो चीजें हैं कॉम्बिनेशन होता है जो प्रमोशनल टूल डिपेंड करता है इसके ऊपर, प्रमोशनल मिक्स इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो है वो है एडवर्टाइजिंग प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग प्रमोशन क्या है, प्रमोशनल टूल कंसिस्टिंग ऑफ पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज्ड बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट अ प्रोडक्ट। द एवरेज US रेजिडेंट इज एक्सपोज रफली 250 एड्स। ये आपको MCQs में आया था, क्विज में आया था, ये कितने उनके एवरीडे कितने एड्स होते हैं, तो आपने ये 250 था उसका आंसर। इन्होंने बताया कि प्रमोशनल टूल कंसिस्टिंग ऑफ पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसमें कह लें कि एक जो स्पॉन्सर होता है वो आइडेंटिफाइड होता है, कोई भी स्पॉन्सर आप कह लें कि हम, वो कहते हैं हम आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। तो ये इन्होंने बताया कि ये प्रमोशनल टूल है। और उसके बाद ऑल फॉर्म एडवर्टाइजमेंट है 3 ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऊपर वाले से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं एडवर्टाइजिंग के। तो आपने बताना है कि 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस, टू क्रिएट एंड मेंटेन इमेज ऑफ प्रोडक्ट,
एंड स्टिमुलेट द कंज्यूमर डिमांड, और कंज्यूमर की डिमांड का जो है ख्याल रखना। इट इज नॉट ओनली डिपेंड डिटरमाइंस व्हाट वी बाय इट शेप्स आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं कि ये वर्ल्ड के जो व्यू है वो भी हमें बताता है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन फॉर रीचिंग मैस ऑडियंस क्विकली एज अ लोअर एट अ लो पर पर्सन कॉस्ट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द मैसेज। ये एडवर्टाइजिंग के बारे में बता रहे हैं। प्रमोट गुड्स या सर्विसेज है, आइडियाज है, फुल रेंज क्रिएटिव अप्रोच है, और उसके बाद मीडिया कन्वे योर मैसेज है, मोस्ट कन्फर्म है द लॉ, इसके टू द लॉ, ये कम्युनिकेट पर ये बहुत ज्यादा ईजी है। एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द मीडियम और ट्रेड एसोसिएशन एडवर्टाइज, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके पास डेफिनेशन आपने कर लेनी है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज हैं, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी यूज फॉर अ प्रोडक्ट मोस्ट ऑफन डिपेंड ऑन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कहते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो प्रोडक्ट लाइफ होती है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है जो उसके जरिए उसके मुताबिक ही चूज की जाती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कौन से थे, वो जो तो ग्रोथ थे, मेजोरिटी थे, उसके बाद डिक्लाइन था, इस तरह के जो थे ये सारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थे। ड्यूरिंग प्रोडक्ट ग्रोथ एंड मेजोरिटी स्टेजेस मार्केटर्स चूज थ्री कॉमन अप्रोचेस, कहते हैं जब ये ग्रोथ और मेजोरिटी स्टेजेस होती है तो ये नीचे वाले हैं जो तीन अप्रोचेस चूज की जाती हैं। पर्सुएसिव एडवर्टाइजमेंट के कंज्यूमर्स को परस्यू करना, उनको अपनी चीजों की तरफ रागब करना कि वो हमारी चीजें ही लेते हैं। उसके बाद है कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट, दो या दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन करके उनको बताना कि ये हमारी चीज अच्छी है, उनकी चीज अच्छी नहीं है। उसके बाद है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, उनको रिमाइंड करवाना कि ये हमारे प्रोडक्ट का ये नेम है और आपने ये वाली चीज खरीदनी है। तो ये तीन स्ट्रेटेजी यूज होती है ग्रोथ और मेजोरिटी स्टेज पे, तो ये आपने इसको भी कर लेना है, ये आपको दो नंबर का हो सकता है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग मीडिया, एडवर्टाइजिंग मीडिया ने बताया कि कौन कौन से जो वे है मीडिया में उसके जरिए आप अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले टीवी है, टीवी सबसे जो टेलीविजन है सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा कहने के मकबूल है, ये सबसे ज्यादा लोग टीवी ही आजकल देखते हैं। समटाइम्स लीड व्यूअर्स टू कंफ्यूज कमर्शियल बिकॉज कहने के समटाइम्स कंफ्यूज भी कर देता है। न्यूज पेपर है मोस्टली वाइड यूज मीडिया में, अकाउंटिंग 20% एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है इसके, 20% एक्सपेंडिचर ये आपने याद रखना है कि न्यूज पेपर के 20% एक्सपेंडिचर थे। ये आपको ये जो क्विज आएंगे आपको एमसीक्यूज आएंगे पेपर में इसमें पूछ सकता है। डायरेक्ट मेल का है 18% है ऑल स्पेंडिंग का डायरेक्ट मेल, कह लो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी ये है। रेडियो लोग इसको बड़ी जल्दी से इग्नोर कर सकते हैं, रेडियो आजकल बहुत कम सुना जाता है, इतने ज्यादा लोग नहीं सुनते। 8% एडवर्टाइजमेंट का पाया है, न्यूज़पेपर का 20% है, डायरेक्ट मेल 18% है, रेडियो 8% है, मैगजीन 5% है, लोग मैगजीन भी इतना ज्यादा आजकल नहीं खरीदते। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है कि अबाउट 1% ऑफ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, बिल बोर्ड हो गए, साइन हो गए, बसेस के ऊपर जो लगा देते हैं, टैक्सीज के ऊपर लगा देते हैं, स्टेडियम्स के ऊपर लगा देते हैं, समटाइम्स वो पता है आपने देखा होगा रिक्शा के पीछे लिखा होता है कि ये की तैयारी एक दिन या एक रात में करें, इस तरह के जो होते हैं वो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है, एडवर्टाइजिंग मीडिया में आ जाता है। उसके बाद है ये इंटरनेट, उन्होंने बताया हुआ है कि स्टिल इन इट्स इन्फेंसिव, यानी कि अभी ये इतना ज्यादा मेच्योर नहीं हुआ। हाई पोटेंशियल पार्टिकुलर फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, कहते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे वे पूछ सकते हैं कि किन किन जरिए से, कौन कौन से मीडिया में जिनके जरिए हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो हमें टीवी, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज, ये सारा आप इनको बता देना कि आप इनके जरिए कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको तीन नंबर का आ सकता है, अगर आया तो नहीं तो मुश्किल है ये आए। मीडिया मिक्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया चूज एडवर्टाइज कंपनीज प्रोडक्ट्स डिटरमाइन मीडिया मिक्स इंक्लूड द क्राइटेरिया ऑफ टारगेट ऑडियंस मीडिया डिटरमाइन द चॉइस ऑफ मीडिया डिटरमाइन, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी होती है जो आपसे कह लें कि पैसे ले लेती हैं और आपको कहती हैं कि आप हमें पैसे दे दो, आप हमें इतने पैसे दे दो और हम आपकी जो एड है वो आपको हम सारी एड सारा हम आपको बना के दे देंगे, तो बस आपने क्या करना है उसको चलानी होती है। तो ये होती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, ये सारी कह लें कि एडवर्टाइजमेंट पे ही काम करती है। समटाइम्स आपने देखा होगा तो वो कहते रहे होते हैं कि एड हमसे बनवाएं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है हेल्पिंग फॉर योर बिजनेस, इस तरह की जो एड्स होती हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं लेकिन वो होती
एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं। प्रोवाइड सम और ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स एडवर्टाइजमेंट नीड, जो भी हमें जरूरत होती है हम उनसे बनवा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं, कंपेन तैयार करते हैं हमारे लिए, एड सेलेक्ट करते हैं, मीडिया सारा कुछ, टारगेट ऑडियंस, इट आइडेंटिफाइज द टारगेट ऑडियंस, एस्टैब्लिश एडवर्टाइजमेंट बजट, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइज मैसेज, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग मैसेज। ये भी इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको भी देख लेना है। और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।